नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर सोमवार को नई दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों को सरकार बनाने के लिए सपना देखने दीजिए, सरकार 5 साल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को किसी भी हालत में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हमारी पुरानी मांग है और यह मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया, जिनके नेतृत्व में जेडीयू ने चुनाव लड़ा। नीतीश फैक्टर ही है जिससे एनडीए को बिहार में इतनी बड़ी सफलता मिली है। आज बिहार के गांव-गांव में यही चर्चा है कि अगर नीतीश साथ नहीं होते तो एनडीए गठबंधन की हालत खराब हो सकती थी। एनडीए सरकार बनने से देश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग विशेष राज्य के दर्जा और विशेष पैकेज जरूर पूरी होगी। 2020 के चुनावी परिणामों के बाद भी नीतीश कुमार का ही चेहरा सबसे मजबूत था। अगले साल 2025 का विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए अलायंस की तरफ से पीएम बनने का ऑफर मिला था, लेकिन हमने गठबंधन धर्म निभाया। सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल शुरू करवाना है। सीतामढ़ी में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार से जुड़ी हर एक योजना का लाभ सीतामढ़ी को मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि चुनाव में जीत के बाद सीएम नीतीश ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो एनडीए के साथ हैं और सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि कई अटकलें भी लगाई गई थी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिल सकते हैं, लेकिन तमाम अफवाहों को गलत साबित कर नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए सरकार का हिस्सा बन गए और एनडीए सरकार में जेडीयू के 2 सांसद को जगह मिली। बिहार से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।